सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जब हम यहाँ हमारे ससुराल से जाएंगे मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। आज है 18 तारीख और आज ये लास्ट दिन है हमारा यहाँ ससुराल में, यानी यहाँ बिहार में। 2 तारीख को मैं यहाँ उतरा था और आज 18 है, आज 3:45 की हमारी ट्रेन है मुजफ्फर से। मुजफ्फरपुर जंक्शन से आज 4:15 की ट्रेन है और अभी तो टाइम हो रहा है सुबह के 9:40, तो काफ़ी टाइम है। यहाँ से एक रिक्शा बुक किया हम लोगों ने जो कि 1 बजे आएगा, फिर वो टमटम में बैठ के हम लोग जाएंगे स्टेशन। और यहाँ पर हमारी सरकार रागिनी जी भी है जो फिलहाल बना रही है पूरी। रागिनी जी, क्या हालचाल है आपकी पूरियों का? क्या रागिनी, क्या लग रहा है तेरे को अपने मायके से जाते हुए? और ये हमारी साली साहिबा अल्पन, ये मेहंदी लेकर बैठी हुई है मेहंदी निकालने के लिए। ये लोग ने कल मेरे हाथ में उंगलियों में नेल पॉलिश वगैरह लगा दी और इस बच्चे को भी नेल पॉलिश लगा दी, इसकी तो निकल गई और पैर में रंग भी लगा दिया था ये देखिए। तो चलिए अल्पन जी, लगा लीजिए आपकी मेहंदी, आपकी इच्छा पूरी कर लीजिए। हमारे साली साहिबा के पहले भी 2 जीजा जी है, लेकिन उनका कहना है कि आप हमारे पहले जीजा जी जिन्हें हम मेहंदी लगा रहे हैं। बराबर बराबर। क्यों ऐसा, क्यों हम पे एक्स्ट्रा प्यार क्यों? क्योंकि मेरे से कोई मेहंदी लगवाता भी नहीं है। ये हमारी साली साहिबा बहुत गुपचुप रहती है, यानी चुप चुप, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, और मैं ही एक हूँ जो इनसे हमेशा मस्ती करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ। बराबर बराबर। जाने के लिए सारी पैकिंग हो गई भाई, सब एकदम फुल तैयारी हो गई है, सब रेडी हो गए। हम बम्बई जा रहे हैं में दादी के दिन राखी बनने लगा दी के दिन। अरे कितने दिन तक राखी बनाया? 12:48 हो रहे और हम लोगों को जल्दी निकलना है क्योंकि रास्ते में हो सकता है कि ट्रैफिक हो, तो हम नहीं चाहते कि ट्रेन छूट जाए। ये करेला है, ये भात है। अच्छा, यशो मती मैया का दो बोल नंदी लाला राधा के बोल मैं क्यों बोल। और सभी लोग आए हमें छोड़ने के लिए, नानी, मामा, मामी, सारे लोग। मॉल थोड़ा इमोशनल हो गया सुबह से। तो भाई टेम्पो वाले भाई आ गए, टमटम वाले, अभी निकलने का टाइम है। चलो मम्मी जी, फिक्र मत करिए, आप कुछ टेंशन मत लीजिए। चलो नानी जी, ख्याल रखिए अपना। चलो मम्मी जी। कृष्णा प्रणाम कर दो बाबू सबको। चलो प्रणाम कर दो सबको। चलो सबको बाय, ख्याल रखना, हम लोग दोबारा आएंगे। हाँ बाय बाय। इसको नानी की याद आ रही है, रो रही है नानी के लिए। हाँ किशु, नानी याद आ रहा है। अच्छा नानी को बाय बाय कर दो, इसमें बाय बाय कर दो, ऐसा फ्लाइंग दे दो नानी को। तीन बज गए भाई, हम लोग पहुँच गए मुजफ्फरपुर स्टेशन। यहाँ पीछे ये स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा है, ये सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। समस्तीपुर से निकल रहे ट्रेन, अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में अपन, 10-15 मिनट में अंदर चले जाएंगे। बोली ना। अरे मम्मी जी आपके लिए रो रही है, मतलब उसका मन उदास हो गया, बोल रहा है नानी का याद आ रहा है, उसका चेहरा उतर गया है, रोने जैसा मुंह बना लिया उसने। और सामान भी थोड़ा ज़्यादा है, तो पता नहीं मैं सामान ले जाते जाते व्लॉग कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या डायरेक्ट ट्रेन के अंदर मिलूँगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। शु बोलो, अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए, बोला हमने खाना भी खा लिया, हमने खाना भी खा लिया, दाल भात पूरी सब्जी सब्जी। बोला अभी डैडी से बात कर लो, अभी डैडी से बात कर लो। फिलहाल ट्रेन में बैठ गए हम लोग और एक बहुत खतरनाक सीन हो गया मुजफ्फरपुर स्टेशन पे। जस्ट हम लोग ने एंटर किया और मैं अपने कैमरा से जस्ट शुरू किया रिकॉर्डिंग, उतने में पुलिस वाले ने रोक लिया और वहाँ पर मेरी क्लास ले ली, बोला कि चलो पुलिस थाने, तुम किसके परमिशन से रिकॉर्ड कर रहे हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें भी। तभी मैंने कैमरा वगैरह सब अंदर रख दिया। हमारी सरकार जो रागिनी जी यहाँ पर बैठी है,
उसने मुझे कसम दे दी है कि कैमरा वगैरह बाहर मत निकलना, तो उसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और हमारे साथ एक सीन हो गया, हम लोगों ने दो टिकट बुक की थी, एक रागनी की और एक मेरी, तो हम लोगों को ये एक ही सीट मिली है जिस पर हम लोग बैठे नीचे, ऊपर नहीं मिली थी। लेकिन क्या हुआ, ये जो भाई हमारे यहाँ पर बैठे हैं उनमें का एक बंदा, उनकी एक सीट थी वो आया नहीं, और जब टीसी आए उन्होंने देखा कि हम दोनों को एक ही सीट मिली है और वो बंदा आया नहीं, तो टीसी ने कहा कि आप लोग ऊपर की सीट ले लो। अभी हम लोग आ गए ऊपर और ये ऊपर वाली सीट हम लोगों की हो गई है ना कृष्णा, अपनी हो गई ना ऊपर वाली सीट। अभी हम लोग बाप बेटे ऊपर सोएंगे और ऊपर फुल मज्जा करेंगे है ना। हम लोगों ने सैनिटाइजर मार के अपन इधर दवाई मारा ना डैडी ने है ना, इधर सैनिटाइजर मारा, 5 मिनट पूरा सूखने दिया और अभी हम दोनों ऊपर फुल मचाएंगे, बोल मचाएंगे, फुल मचाएंगे, फुल मौज करेंगे, फुल मौज करेंगे। उनके मौसी पास जाते आ गए हम लोग बलिया स्टेशन, बज रहे हैं 8 और हो रहा हम सबका डिनर है ना किशु। आप डिनर में क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? पूरी सब्जी रोटी दाल चावल है ना। दोस्तों ये व्लॉग काफ़ी छोटा हो गया, मैं जानता हूँ, लेकिन इस व्लॉग को यही समाप्त करना होगा। और अभी तो सुबह हो गई है, सुबह के 6 बज रहे हैं, हम लोग उठ गए सब लोग। हम तो पिसने हम केनो करो छो हम तो पिसने मीटे रेन में ट्रेन चालू हो गया। बोलो व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करो, बोलो पसंद आया लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा है, कमेंट करके बताओ कैसा है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, नए हो पसंद आया तो हम ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाते रहते हैं जो रिलेटेबल होता है। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, फुल Good night, my mother.